हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स ऑफ गर्ल्स। मैं हूँ स्वाति। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मोमोज। मोमोज तो हम बहुत सारी वैरायटी के खाते हैं, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, बहुत सारे, लेकिन ये दाल मोमोज आपने कभी नहीं खाए होंगे। तो चलिए आप बनाइए, देखिए कैसे मैं बना रही हूँ, और आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। तो मैं चलती हूँ बनाने के लिए। तो ये दाल वाली मोमोज बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चने की दाल और ये एक कटोरी उड़द की काली वाली दाल ली हुई है। अब मैं इसे पानी डालकर 5 से 6 घंटे सोक करूँगी। तो ये मैंने अपनी दोनों दालों को भिगो दिया है। अब मैं 5 से 6 घंटे इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दूँगी, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद मैंने इन दोनों दालों को धुलकर और पीस लिया है मिक्सी में, और दोनों का एक अच्छा सा ये पेस्ट बना लिया है। और अब हम मोमोज के लिए आटा लगाएंगे। तो अभी मैं इसमें डालूंगी मसाले। तो मसाले के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मैंने 250 ग्राम आटा लिया है, और अब मैं इसमें ये 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, और अब हम इसे गूंथेंगे। तो अभी आटा लग के तैयार हो गया है। अब हम इसको बेलकर मोमोज बनाएंगे। तो मैं इस दाल में नमक डालना भूल गई थी, अभी मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने ये पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और उस पर मैं इस तरीके से एक जाली रखूँगी। तो ये मैंने आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, अब मैं इसे बेलने जा रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पर ये बेल रही हूँ इस तरीके से, बीच ऐसी छोटी छोटी। तो मेरी सारी पूड़ियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं यहाँ पर। अब मैं इनको फिल करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से हम 1 स्पून दाल लेंगे, और इस तरीके से हम इनको फिल करेंगे, इस तरीके से बंद करते जाएंगे। और ये मैं आटे के बना रही हूँ, और पर साथ ही साथ रखती जा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्टीमर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मेरे सारे मोमोज रेडी हो गए हैं, और मैं इनको एक थाली से ढक दूंगी। तो मैंने इनको ढक दिया है। अब हम इनको 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हम इनको निकालेंगे और फ्राई करेंगे। तो ये मोमोज हमारे उबल गए हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ, और जैसे ही इनका धुआं हल्का सा निकलता है, मैं इनको फ्राई करूँगी। मोमोज मेरे ठंडे हो गए हैं, और मैं इनको अब कढ़ाई में डालूँगी। बहुत ही सावधानी से डालिएगा, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है। तो ये मैंने सारे कढ़ाई में डाल दिए हैं, और अब हम इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो ये मोमोज हमारे गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो गए हैं। और अगर आपको ऑयली नहीं पसंद है, तो आप ऐसे ही स्टीम किए हुए खा सकते हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये मोमोज मेरे रेडी हो गए हैं, और ये मेरी मोमोज वाली चटनी, और ये मोमोज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।